ये दुनिया पहरों की दुनिया है, अगर इन तक अपनी मांग पहुंचानी है तो आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। धमाके से बुलंद कोई आवाज नहीं होती। उन्होंने हमसे हमारा हक छीना, हम उनसे उनकी जिंदगी छीन लेंगे। फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। उसने जब खतरनाक हो तो और भी खूबसूरत हो जाता है। ये तो अपनी निगाहों से ही किसी का कत्ल कर डाले। तैयार करो इसे निगाह के लिए। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन? जेल में मजा तो आया, अच्छे से खातिरदारी हुई ना? ये जायदाद के कागजात हैं। मैंने विल थोड़ी सी चेंज कर दी है, इन्हें दस्तखत कर दीजिए। मैंने आप दोनों को कुछ और करने लायक छोड़ा नहीं है। वैसे एहसान बेटे, दस्तखत कर दीजिए। जब तेरी बीवी ने तुझे छोड़ ही दिया है तो सोच रहा हूं कि तेरा निकाह ही करवा दूं। ये रही तुम्हारी दुल्हन, निकाह के लिए तैयार हो जा। तुम दोनों साथ रहना, क्योंकि तुम दोनों को मिशन निकाह को अंजाम देना है। और समझा देना इसे, ये कितने बड़े काम का हिस्सा बनने वाला है। और अगर इसने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो भेजा उड़ा देना इसका। आधा घंटा है तुम्हारे पास माहौल उड़ाने के लिए। मायरा मेरी बात मानो, मायरा तुम यहां तक आ तो गई हो लेकिन ये जैकेट इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला है। मान ले, मेरी बात सुनो, तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहां से। मैं अपनी जान बचाने इतनी दूर नहीं आई, अपनी जान की परवाह होती तो यहाँ इन दरिंदों के पास नहीं आती। मैं बहुत जिद्दी हूँ मैं, और जिस अरमान शेख को मैं जानती हूँ वो भी बहुत जिद्दी। बचपन से लेके आज तक उसने अपनी किस्मत को उंगलियों पे नचाया, इतनी जल्दी नहीं हार सकता हूँ। लेकिन इन सारी बातों में तुम एक बात भूल गई, जिस अरमान शेख को तुम जानती हो वो एक जानवर भी है। अगर तुम्हारे पास इस बॉम्ब का रिमोट है तो मेरे पास बॉम्ब है।
अगर तुमने वो रिमोट दबाया तो मेरे साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। समझ में आया? मायरा तुम जाओ यहां से। अरमान मैं कहीं नहीं जा रही। मायरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम फोर्स मत करो अरमान, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मेरे गुनाहों की सजा है, मुझे अकेले भुगत दे दो। तुम जाओ यहां से। साथ देने का वादा किया था मैंने, अपने वादे को निभाऊंगी। जो कुछ हो जाए हम दोनों साथ रहे।